तो इसका मतलब है कि वो रिसोर्सेज का वो बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ओनर, एंड दे यूज इट टू मैक्सिमाइज देयर आउटपुट और टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट फॉर द कस्टमर. ये उनका काम है. फॉर दैट उनको रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है इन इन सच अ वे. अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे क्या कहते हैं रिसोर्सेज की. तो अब हम ऊपर चलें तो इधर आप देख लो, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है उसमें आपने क्या करना होता है, आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं, क्योंकि हर मुल्क में लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती हैं बिकॉज दे कीप ऑन ग्रोइंग. इफ योर वन वॉन्ट इज सेटिस्फाइड एंड अदर अराइजेस, लेट्स से यू हैव अ स्मॉल कार, इफ यू गेट दैट कार आफ्टर सम टाइम देयर इज अ डिजायर के जी एक बड़ी कार हो और अच्छी कार हो जाए. तो ये इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर ना. तो वॉन्ट्स चूंकि बढ़ती, एक तो होती बहुत ज्यादा है और बढ़ती जाती है, तो रिसोर्सेज आर नेवर सफिशियंट टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच कैन सेटिस्फाई ऑल ऑफ दोज वॉन्ट्स. तो आपको पिक एंड चूज करना पड़ता है कि कौन सी वॉन्ट सेटिस्फाई करनी है एट द मोमेंट और कौन सी नहीं करनी. अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे चलूं इस पे बात करूं, तो ये एक तो समझ आ गया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, जिसमें आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जो आपकी उन वॉन्ट्स को पूरा करें जो प्रायोरिटी पे हैं, जो आपको लगता है सबसे पहले पूरी होनी चाहिए, तो आप उनको पूरा कर रहे होते हैं. अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करता हूँ लैंड की, तो लैंड का रिवॉर्ड क्या है. लैंड का रिवॉर्ड, मैं लेट मी चेंज द कलर. लैंड का रिवॉर्ड है जो बंदा आपको लैंड ऑफर करेगा प्रोडक्शन के लिए, वो जवाब में क्या मांगेगा, रेंट. जब आप रिसोर्सेज हायर करते हैं तो यू हैव टू गिव देम अ रिवॉर्ड. रिवॉर्ड मतलब उनकी इनकम. लैंड जो ऑफर करेगा आपको वो रेंट मांगेगा, लेबर जो आपको देगा वो जवाब में वेजेस मांगेगा या सैलरीज मांगेगा. इसी तरह से कैपिटल जो आपको ऑफर करेगा वो आपसे मांगेगा इंटरेस्ट, ये उसका रिवॉर्ड है. और ओनर जो है या जो एंटरप्राइज की एबिलिटी जिसके पास है उसका रिवॉर्ड क्या होगा, प्रॉफिट. ये आपको पता होना चाहिए. अच्छा, एक आपको बात और बताता चलूं, इकोनॉमिक्स में मनी और फाइनेंस इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल, आपने याद रखना है. मनी, अब वो मनी होता तो मैन मेड है, आपको पता है मैन मेड तो होता है, प्रिंट कौन करता है, हम ही करते हैं. लेकिन क्या कैन यू प्रोड्यूस एनीथिंग, या आप ऐसे कह लो कैन मनी सेटिस्फाई योर नीड्स एंड वॉन्ट्स, ऐसे कह लो, जवाब दे दें इसका, क्या कहते हैं. सर, मनी इटसेल्फ तो नहीं कर सकता, बट डेफिनेटली मनी को इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट. एक आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहोगी, आपने पढ़ा है आपको, लेकिन एकदम रिवाइज करना है फ्रेश करने के लिए, इज इट द केस. मैंने सॉरी सर, क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं. आपसे आपसे मैं इधर आप अटेंशन पे करो ना, मैं आपसे कह रहा हूँ कि यू हैव कवर्ड A1 सिलेबस, लेकिन क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकती हो, या बिकॉज इट्स क्वाइट ब्लर्ड इन योर माइंड, तो आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत है. इट इज ब्लर्ड, मतलब मैंने क्लासेस नहीं ली हुई, आई हैव ओनली रेड फ्रॉम द बुक, बट आई वुड, मतलब जितना मैं कर सकूं कंट्रीब्यूट करूंगी जो. अच्छा, ओके, एक ना तो डू पार्टिसिपेट ना, ताकि ज्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेहतर डेवलप होगी. मेरा सवाल यह है कि कैपिटल जो है, मनी जो है ना, वो पार्ट ऑफ कैपिटल नहीं होता इकोनॉमिक्स में डिस्पाइट बीइंग मैन मेड. तो मेरा सवाल ये था कि कैन मनी सेटिस्फाई योर नीड एंड वॉन्ट. इकरा क्या कहती हो? सर नहीं, मेरा नहीं ख्याल. नहीं, आपका नहीं ख्याल. और शादीन, आप क्या कहती हो? यस सर, मनी कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स, बट डायरेक्टली इट कैन नॉट. सही बात है, मनी से तो बंदा खरीद लेते हैं. ये बात तो सही है आपकी. देखो, एक इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं मनी इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल, एंड द रीजन इज बिकॉज मनी कैन नॉट डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वॉन्ट्स, जैसा अभी अब्दुल्ला ने कहा. और वो वजह क्या है, नीड्स एंड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपको चाहिए होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज. इसका मतलब है मनी कैन ओनली बाय गुड्स एंड सर्विसेज, बट मनी कैन नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस एनीथिंग. थिंक अबाउट अ डेजर्ट, यू आर इन अ डेजर्ट एंड यू हैव लॉट्स ऑफ मनी इन योर बैग हैंगिंग ऑन योर शोल्डर, एंड यू यू आर थर्स्टी और यू वॉन्ट टू ईट समथिंग, तो कैन यू ईट मनी? ऑफकोर्स नॉट.
आपको कोई ना कोई गुड चाहिए जिसको खाने की, जो आप खा सके। तो इसका मतलब है इकोनॉमिस्ट कहते हैं क्योंकि मनी से वो चीजें खरीदी जाती हैं जिससे आप मनी से मशीनरी खरीद सकते हैं, आप मशीनरी से मनी से लैंड खरीद सकते हैं, मनी से आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, आप मनी से वर्कर्स हायर कर सकते हैं, बट यू कैनॉट प्रोड्यूस डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ मनी। वो जो आप हायर करेंगे वो प्रोड्यूस करेंगे, लैंड लेबर कैपिटल वगैरह, तो वो रिसोर्स है। मनी इज नॉट अ रिसोर्स बिकॉज इट कैन नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस एनीथिंग। वो परचेज कर सकता है डिफरेंट चीजें, दैट इज इट, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो प्रोड्यूस करने के लिए कोई इक्विपमेंट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, फैक्ट्री हो, सिर्फ बाय कर सकते हैं उसको, तो मनी नहीं आता। अच्छा, अब सवाल ये कि आपको समझ आती है लैंड का रिवॉर्ड तो रेंट है, लेबर का वेजेस है, समझ आती है, एंटरप्राइज ओनर है ऑफ कोर्स तो उसका रिवॉर्ड प्रॉफिट होगा, कैपिटल का इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि अगर कैपिटल मनी नहीं होता तो फिर इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? वो इस तरह मैं आपको, लेट मी, अगर वो आप में से बताना चाहते हैं तो बता दें, वरना मैं बताता हूँ। सर, इट्स अ लाइबिलिटी। डिपेंड करता है, जैसे अकाउंटिंग की बात आप कर रही हो, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। हाँ, अगर वो आप ओ करते हो 1-2 सालों का तो फिर लाइबिलिटी बन सकती है। बहरहाल मैं अकाउंटिंग में नहीं जाना जा रहा। अब आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड फॉर दैट यू रिक्वायर अ सर्टन अमाउंट ऑफ मनी, तो यू बोरो इट फ्रॉम द बैंक एंड यू स्टार्ट योर बिजनेस। नाउ वट एवर यू बाय और वट एवर यू प्रोड्यूस, ये दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द मनी यू हैव। वो आपने जो बैंक से पैसा लिया है उसकी वजह से आपने कैपिटल खरीदा है, आपने बिल्डिंग कराए भी लिए, आपने इक्विपमेंट खरीदी है, आपने वर्कर हायर किए हैं। यू डू नॉट ओन दैट मनी, वो बैंक का है। तो बैंक उसके बदले में आपसे रिवॉर्ड मांगेगा, वरना बैंक क्यों आपको लोन देगा? क्योंकि जब आप बैंक से $1,00,000 लोन लेते हो तो वो आपसे $1,00,000 वापस नहीं लेता, वो उससे वो कहता है $11,00,000 वापस करो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो जो 1 लाख ऊपर ले रहा है द अमाउंट ओवर एंड अबव द लोन, वो इंटरेस्ट है और वो ले रहा है क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है अपने इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन पैसा कैपिटल नहीं है। अगेन अंडरस्टैंड कर लें इसको, क्योंकि आपने उस पैसे से कैपिटल खरीदा, आपने बिल्डिंग खरीदी, मैन मेड है, कैपिटल है, आपने इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी खरीदी, टूल्स खरीदे, ये भी मैन मेड है, इक्विपमेंट है, तो इसीलिए वो कैपिटल बन जाता है। तो वो असल में तो बैंक आपको पैसे दे रहा है, तो बैंक उसके बदले में आपसे इंटरेस्ट लेगा कि भाई ये मेरे पैसे भी वापस करो और ऑन टॉप ऑफ इट आपको ये एडिशनल अमाउंट भी पे करनी है, दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरेस्ट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। मैं वापस चलता हूँ बुक के ऊपर। अब मैं ये नहीं पढ़ूंगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है सारा कुछ, ठीक है? ये मैं बुक शेयर कर दूंगा इकरा आपसे भी, आपने खुद ही पढ़ना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, वॉन्ट्स क्या होती है। अच्छा, नीड्स एंड वॉन्ट्स पे थोड़ी सी बात मैं जरूर करना चाहूंगा, वो अभी नीचे मैं यहाँ कर लेता हूँ। अच्छा, अभी ना आप ये समझो कि स्केर्सिटी या इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ही बात है, मैं ये भी बताता जाता हूँ आपको। यहाँ पर आज बस इतना ही कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर बता रहा हूँ। अच्छा, आप ये देखिए, अगर मैं नीड की बात करता हूँ, नीड्स वॉन्ट्स दोनों में फर्क क्या है? नीड्स जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, इधर यू आर रिच और पुअर, यू ओनली हैव सर्टन नीड्स, वो क्या है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, यही होती है ना। वॉन्ट्स जो है ये अनलिमिटेड होती है, ठीक है? अब मैं एग्जाम्पल अगर ले लूं तो इसमें आपके पास फूड है, फूड की जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूं बर्गर, ये वॉन्ट हो गई ना। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लोथिंग लिखता हूँ, क्लोथिंग, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट से अरमानी, ये ब्रांड आ गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ अरमानी जीन्स, ये वॉन्ट हो गई। इसी तरह फूड, क्लोथिंग, आप एयर भी कह सकते हैं, सनशाइन भी कह सकते हैं, वो भी आ जाता है नीड्स के अंदर ही, और शेल्टर, और यहां मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ईयर लग्जूरियस हाउस। तो ये अब वॉन्ट तो कभी खत्म ही नहीं होती, जितनी मर्जी ले लो, ठीक है? लिमिटेड जो नीड्स है जिंदा रहने के लिए। अब जो दूसरा पॉइंट हम मैं आपको दिखाने लगा वो क्या, एसेंशियल, जो अभी मैंने बात की है, एसेंशियल फॉर लिविंग। आप नोटबुक में ना जो मैं करवाऊँ आप लिख भी सकते हैं,
एसेंशियल फॉर लिविंग, नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग, नॉट एसेंशियल फॉर लिविंग, ठीक है जी। और तीसरी चीज जो है, ये आपको सेटिस्फेक्शन देती है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया, यू आर थर्स्टी एंड यू वांट टू क्वेंच योर थर्स्ट, सो यू हैव अ समबडी ऑफर्स यू अ ग्लास ऑफ वाटर, ऑफ कोर्स आपको सेटिस्फेक्शन हो गई, आपकी थर्स्ट जो है ना वो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन अगर आपको कोई कोको कोला ऑफर कर देता है, कोई पेप्सी, कोई जूस, सोडा वाटर, कुछ भी, तो अब क्या हुआ, वो आपको देता है फील, यहां मैं लिख रहा हूं, फील ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, ठीक है। और ये आपको लग्जरी, और आगे लिख सकता हूँ एंड प्लेयर एज वेल, ठीक है, फील ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी, मैं यहाँ पर प्लेयर भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्लेयर, मतलब आपको प्यास लगी और आपको कोई बोतल दे दे तो यू विल बी ओवरजॉयड ना, ऑफ कोर्स। तो ये बुनियादी फर्क है नीड्स एंड वांट्स में। आई होप कि सबको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। अच्छा, लास्ट चीज जो मैं आपको बताने लगा था, ये वापस यहाँ जाता हूँ, तो आपको स्केटसी के हवाले से फिर हम आगे इंशाल्लाह ताला मंडे से फिर हम इसको बकायदा जल्दी फास्ट पेस पे शुरू कर देंगे। अच्छा, आपको जो बताने लगा था मैं कि रिसोर्सेज स्केट्स होने का मतलब क्या होता है, मैं इतनी बात कर देता हूँ, या चलो उसको मेरा ख्याल है 9 तो बज गए हैं, कल पे ही रख लेते हैं, उसमें चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह उस पर बात कर लेंगे और फिर आगे चलेंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?